जो पर्दे पर अभिनय कर रही हैं वो अभिनय सड़क पर आकर खेतों में कर रही हैं। मैं मोदी से आग्रह करूंगा कि तत्काल उनको किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर के दिखाया जाए। स्मृति ईरानी जी विक्षिप्त हो चुकी हैं, मानसिक दिवालियापन उनका हो गया है। ऐसा चुनाव का समय है, लोगों के घर में जाके जूठे बर्तन मांज देना, भोजन बना देना, ये सब तो चुनाव के समय है। तो अभिनय करने वालों को मथुरा की जनता से कहूंगा कि इनसे हाथ जोड़िए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में भले ही उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर चुनाव हो, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि लगातार नेताओं के बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। स्मृति ईरानी ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने के पहले, नामांकन करने के पहले, मुस्लिम लीग से बकायदे समझौता किए हैं कि मुस्लिम लीग अपने झंडे को उनकी सभाओं में नहीं दिखाएगा, रैली में नहीं दिखाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में आकर मंदिर मंदिर जाना है, लोगों से वोट मांगना है। ज़्यादा कुछ जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। इस तरह की बातें कर रही हैं स्मृति ईरानी? नहीं, स्मृति ईरानी की जो बात आ रही है उससे जाहिर हो रहा है कि स्मृति ईरानी जी विक्षिप्त हो चुकी हैं, मानसिक दिवालियापन उनका हो गया है। उनको तत्काल, मैं मोदी से आग्रह करूँगा कि तत्काल उनको किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर के दिखाया जाए, जिससे उनका मानसिक इलाज कराया जा सके, ताकि वो अपने आप को सहज महसूस कर, अभी असहज लग रही हैं वो, तो उनकी असहजता मैं समझता हूँ कि वो उनकी मानसिक दिवालियापन दिख रही है। एक उन्होंने उदाहरण दिया, आम तौर पे जिस तरह से बसों की सीटों पर लोग रुमाल छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका कहना है कि राहुल गांधी भी अमेठी को संकेत करते उन्होंने लिखा कि बोला कि अब उनके जीजा यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, उसी तरह परिवार को वो लोग बढ़ा रहे हैं, हम तो अपनों की बात करते हैं, ये हम तो जनता की बात करते ही अपनों को लेके चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा जैसे मैंने पहले का फिर कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से मानसिक इनका स्तर ये विक्षिप्त हो गई हैं, मानसिक स्तर गिर गया है, और निश्चित इस तरीके के बयान देना, और कोई छोड़ने वाला नहीं है, भ्रम में न रहें, ना कोई छोड़ने वाला है, काम करने वाले लोग हैं और काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी ने जो उनसे वादा किया था अमेठी की जनता से, उसको पूरा करें, उसको सही रूप से काम करें, जो किया, ये केवल मानसिक दिवालियापन या विक्षिप्तता उसका जो उनका वो चल रहा है दौर, मैं समझता हूँ कि इसको दूर करें जनता के बीच में और जाकर अपना ठीक से इलाज कराओ। राहुल गांधी को नकारा तक कह डाला उन्होंने कि तो कह तो रहा हूँ कि विक्षिप्त हो चुकी हैं। जब व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है तो अनाप सना बोलता है, उलझुल बोलता है, तो उनका पहले इलाज कराना चाहिए तत्काल। मोदी से मैं ही कहूँगा तत्काल उनको एम्स में एडमिट कराइए, उनका इलाज कराइए, जब वो ठीक हो जाए तब उनको फिर अमेठी में भेजिए। अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी कब पत्ते खोलेगी? ये बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। जो लोग सोच रहे हैं, जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ के अनुसार ही लोग रहेंगे। यानी परिवार से ही कोई रहने वाला है? मैंने कहा जनता की आवाज़, जो जनता अमेठी और रायबरेली की आवाज़ है, उस आवाज़ के ही, जनता की आवाज़ पे ही वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के हमारे कैंडिडेट रहेंगे। भाजपा मथुरा से प्रत्याशी हेमा मालिनी को देखा गया है कि जाके वो गेहूं की कटाई कर रही हैं, तो और भी पहले ऐसे नेता देखे गए हैं जो सड़क पे गाड़ी रुकवाकर इस तरह की तस्वीरें और फोटो को खिंचाते फिर वायरल करते हैं। देखिए, ऐसा है, चुनाव का समय है तो इसमें गेहूँ काटना, लोगों का पैर धोना, लोगों के घर में जाके जूठे बर्तन मांज देना, जाके खाना बना देना, रोटी बना देना, भोजन बना देना, ये सब तो चुनाव के समय है। इसके पहले भी मुझे लगता है कि शायद हेमा मालिनी जी वहाँ की सांसद थीं, पिछली बार भी वहाँ गेहूं पैदा हुआ, गर्मी थी, उसमें भी गेहूं कहीं कटाई किया क्या उन्होंने? इसके पहले का भी कोई वीडियो दिखा दीजिए कि कहीं उसके पहले भी आई हो, कि गांव के किसानों को प्रेरित किया हो कि भाई देखो, मैं एक्ट्रेस भी हूँ, हेमा मालिनी भी हूँ, सांसद भी हूँ, और मैं गेहूँ की कटाई करने आई हूँ। तो चुनाव अभिनय है, जो पर्दे पर अभिनय कर रही हैं वो अभिनय सड़क पर आकर खेतों में कर रही हैं। तो अभिनय करने वालों को मथुरा की जनता से कहूँगा कि इनसे हाथ जोड़िए। जो सेवक हो, जो जनता के सुख दुख के साथ खड़ा हो, जो हमेशा गेहूं की कटाई में रहा हो, हमेशा लोगों के सुख दुख में रहा हो, हमेशा लोगों के एक साथ खड़ा हो, घर से लेके एक उसके परिवार सुख दुख का साथी हो, उसके साथ खड़े रहिए। उसमें हमारा जो वहाँ का प्रत्याशी है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मजबूत कार्यकर्ता है, उसके साथ तो खड़े रहें। गाजीपुर की सीट हॉट सीट हो गई है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से, क्या आप जाल अंसारी के प्रचार के लिए आप खुलकर सामने आएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी का जो निर्णय है, और हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, मैं स्वयं चुनाव यहाँ लड़ रहा हूँ, तो मैं तो खुद ही देख रहे हैं, सारे जगह का छोड़ के मैं अपने क्षेत्र में हूँ, मोदी के खिलाफ लड़ना है, तो यहाँ दिन रात काम कर रहा हूँ, यहाँ दिन रात काम करूँगा।
गाजीपुर में जाएंगे प्रचार के लिए पूरी तरह से? कि बनारस के अंदर काम कर रहा हूँ, बाकी जो पार्टी जो आदेश निर्देश, मैं बनारस के लिए यहाँ का प्रत्याशी हूँ, प्रत्याशी के रूप में मैं काम करूँगा बनारस। मंच पर सभी जो इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी, आप जितने सारे बड़े नेता हैं, कब एक साथ दिखेंगे और खास तौर से आगे की क्या योजना है चुनाव के लिए? बहुत ज़बरदस्त हमारी तैयारी चल रही है और मैं समझता हूँ कि भी कल हम अखिलेश जी के साथ वहाँ थे, ईदगाह में थे लखनऊ के, और हमारे सभी लीडरशिप आपको आने वाले समय में बहुत जल्द एक मंच पर एक जगह बड़ा कार्यक्रम भी होने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पर कहना है और स्मृति ईरानी पर पहले उन्होंने निशाना साधा कि उनको मानसिक रूप से दिवालियापन उनको हो चुका है, विक्षिप्त हो गई हैं, ऐसा इनका आरोप है। तो वहीं इनका आगे ये कहना है कि जितने इंडिया गठबंधन के नेता हैं जल्द ही एक मंच पर आएंगे और अमेठी रायबरेली की सीट पर से भी जल्द से जल्द पर्दा उठेगा।